नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। जनपद अमरोहा के नौगावा सादात नगर पंचायत क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं शासन द्वारा वार्ड मेंबर की सूची जारी होने के बाद सभी प्रत्याशियों की सरगर्मियां तेजी के साथ शुरू हो गई है। सभी वार्ड के भावी प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत नौगावा सादात क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 से मोहम्मद इसरत इस बार वार्ड मेंबर के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लगातार गंदगी का अंबार लगता गया, लेकिन वार्ड के लोग गंदगी में अपना जीवन दांव पर लगाकर जी रहे थे और गंदगी से पैदा हो रही बीमारियों का शिकार हो रहे थे। इस दौरान वार्ड की जनता ने क्षेत्र का विकास कार्य करने के लिए मोहम्मद इसरत को वार्ड मेंबर प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में उतारा है, जहाँ उनको इस बार वार्ड मेंबरों के लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना कीमती वोट देकर जिताया तो वह अपने वार्ड में विकास कार्य की गंगा बहाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बड़ी योजनाओं का लाभ करीब लोगों को दिलाएंगे। वार्ड नंबर 9 के यहाँ पर जो है कुछ लोग मेरे पास मौके पर मौजूद हैं। चलिए हम उनसे जानेंगे कि उनके वार्ड नंबर 9 में किस प्रत्याशी को जो है ये चुन रहे हैं, इस बार जनता चुन रही है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबशिर। अच्छा, मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हैं आप? नई बस्ती के। बताइए, इस बार किसे चुन रहे हैं आप अपने हाथ में? आपके तो हम वार्ड नंबर 9 से मोहम्मद इसरत को चुनेंगे, क्योंकि असल में जो पुराने मेंबर थे हमने कई मेंबरों को मौका दिया, लेकिन मेंबर जाते हैं, वादा करते हैं, भूल जाते हैं। कोई भी ना तो कोई साफ सफाई कराता, ना यहाँ की कोई नाली साफ कराता, और ना ही कोई यहाँ की तरक्की कराता। तो आपका हम मोहम्मद इरशाद को मौका देना चाहते हैं और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कार्य होगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है, चलिए और भी लोग मेरे पास मौके पर। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ जो प्रत्याशी है सभासद पद के, जो दावेदारी कर रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस पद पर दावेदारी कर रहे हैं और किस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशरत है। अच्छा इशरत जी, इस बार जो है किस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं, कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रहा हूँ और ओवैसी साहब की पार्टी से लड़ रहा हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे चुन के खड़ा किया गया है, और यहाँ जो जो पहले भी और भी मेंबर आए और अब भी काफ़ी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका पब्लिक का ये कहना है, जनता का यहाँ की, कि वार्ड नंबर 9 की कोई सफाई नहीं हो रही है, यहाँ की जो है कोई विकास नहीं किया जा रही है, यहाँ बिजली में प्रॉब्लम रहती हैं, और जैसे कि ये जनता का काम जैसे आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, नाली की सफाई का, झाड़ू का, ये सब यहाँ पर नहीं चल रहा। जनता ने यही सोच के हमें पहली बार मौका दिया और गरीब जनता हमें चुन रही है। क्या मुद्दे आपके इसमें रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? आप जीतने के बाद क्या क्षेत्र में विकास कार्य करा पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या क्षेत्र में क्या मुद्दे? बस मुद्दे क्या हमारा, बस जब जनता ने हमें चुना है तो हम जनता की जो है यही विकास करेंगे, कि जनता का काम आना, जनता की सफाई, और जैसे कि बिजली का काम है, पानी का काम है, और जैसे कि ये नाली की सफाई है, गंदगी जहाँ पर कूड़ा वूड़ा हो रहा है, ये सब यहाँ से मच्छरों का, गंदगी का, सब लोग यहाँ बीमार पड़ जाते हैं, ये सब नहीं ध्यान दे रहे हैं। और हमें जो हमें जो जीतने के बाद में करना, हम जीतने से पहले भी कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं पिछले 6 महीनों से। आप जनता से मालूम कर सकते हैं कि यहाँ सफाई कौन कर रहा है, यहाँ का विकास कौन कर रहा है, और हम जीतने के बाद भी अल्लाह ने अल्लाह का रसूल ने चाहा तो हम जो हैं इसी तरीके से कामयाबी का। और इसी के साथ देखते रहें अमरोहा की आवाज़।